अस्सलाम वालेकुम तुहानू कहांगे अपने प्रोग्राम जान सुनजान दे विच और जान सुनजान दे विच अज असी जान सुनजान करन वास्ते आ गए जनाब PHA यानी कि पार्क्स एंड हॉर्टीकल्चर अथॉरिटी दे डिपार्टमेंट विच और इत्थे आके असी की करन वाले इत्थे आके असी इंटरव्यू करन वाले हाँ इत्थे दे जिहड़े डायरेक्टर जनरल साहब हैगे ने उन्हां दे नाल वैसे ते जनाब आए हैगे ने कि एडिशनल सैकटरी हाउसिंग साउथ पंजाब तो लेकिन अजकल जिहड़े अपनी खिदमत हैगे ने अंजाम दे रहे ने PHA च और PHA दा इदारा तुहानू पता हैगा कि किसी भी सिटी दा हैगा ना सब तो मेन एक चीज़ होंदी है क्योंकि तुहाडे जदों तक पार्कस तुहाडे जदों तक ग्रीनरी हर पासे तुहाडे नहीं होएगी तुहाडी अखां नू सेहत फिजा एक माहौल नहीं मुहैया कर सकती होएगी तो फिर जाहिर गल है कि तुसीं उत्थे अच्छी फिजा दे विच सांस भी नहीं लै पाओगे। सो साढ़े नाल इस वक्त मौजूद हैगे ने जनाब आसिफ रऊफ खान साहब और ज़्यादा मैं तारुफ इन्हों का खुद नहीं करावगी अगर मैं उन्होंने मूँह तो सुना तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। जी सर की हाल चाल है तुहाडा? थैंक यू वेरी मच जी। अलहमदुल्ला मैं अब मेरी पोस्टिंग जो है लास्ट 9th of December लास्ट ईयर जो है मैं तकरीबन 2 माह हो गए हैं मैं इतने हूँ जड़ा ना पंजाबी मेरा ख्याल है कंपलसरी मेरे लिए अच्छा उस मैं तकरीबन 2 महीने तो मैं इतने एज ए डी जी काम कर रहा वहाँ और जिस तरह तुसी फरमाया होनी कि आई कैचिंग या जितना भी शहर की खूबसूरती है या शहर की अट्रैक्शन है वो आलमोस्ट डिवेलपमेंट के नाल नाल जितनी देर ग्रीन बेल्ट ना डिवेलप की जान या पार्कस या हॉर्टीकल्चर के हवाले नाल शहर नू मेनटेन ना किया जाए तो फिर जाहिर है कि शहर कुछ उजड़िया उजड़िया वैरान वैरान जहा लगता है। तो अल्लाह ताला के दुआ है कि अल्लाह ने इस मनसब से बिठाया है तो मैं इस शहर लिए कुछ कर जावा और खूबसूरती के हवाले नाल मेरे काफ़ी प्रोग्राम्स हैं इनू किस तरह मैं लैके चलना वे तो 2 महीने जो मेरा एक टारगेट सी आलमोस्ट मैं समझना कि मेरे मुकम्मल हो गया और मुकम्मल तो खैर कभी भी नहीं होता लेकिन जिन्ना एक मैं उस बेहतरी लिया की कोशिश कर सकया मैं उस बेहतरी लिया है। हूँ मेरी अगर फर्दर कोशिश है कि मैं हूँ सैकेंड फेज और थर्ड फेज अल जावा तो वह इंशाल्लाह मैं तुम्हें तो फिर दसना प्रोग्राम में जिस तरह मेरे को ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे सन आने तो पहले जी जी उन्होंने किन्ने कंप्लीट हो चुके हुए हैं? देखें जिथे तक पार्कों की डिवेलपमेंट का तलक है वो तो मेरे 13 नवें प्रोजेक्ट जोड़े ने पार्कस के हवाले नाल उन्हों की जी डिवेलपमेंट चल रही है और किला कोनो कासम पार्क सी एक मेरा उत्थे असी 4 एजेंसियां मुख्तलि काम कर रही सन उस वाल स्ट्रीट है प्लस स्पोर्ट्स वाले ने वो अपना स्टेडियम वगैरह उन्होंने मेनटेन कर रहे हैं और साढ़े जिम्मे जिन्ना भी औकाफ वाले ने अपने वो इंश्योरेंस वगैरह जोड़े ने अपने जो भी दरबार वगैरह उन्होंने मेनटेनेंस कर रहे हैं इन्हें विचकार जिन्हें पैचेस ने जिन्नी ग्रीन बेल्ट ने जितनी इन्होंने पार्कस ने और जिन्ना इन्होंने हॉटी का काम है जिन्ना इन्होंने फ्लावरिंग है वो सारी जी असी मेनटेन कर रहे हैं और तुम देखोगे कि इंशाल्लाह तुहानू हुण चीज़ां थोड़ी जी पहले भी माशाल्लाह अच्छिया सन लेकिन मजीद बेहतरी की कोशिश की जा रही है और इंशाल्लाह तुहानू नज़र आएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर ग्रीन बेल्ट की है बेसिकली सानू तो चलो समझ आ जाता है लेकिन जो साडे लिसनर्स ने या व्यूअर्स ने उन्होंने शायद यह चीज़ समझ ना आए ग्रीन बेल्ट की है? ग्रीन बेल्ट ऐसे है कि जी तुम जिस टाइम शहर से या सड़क पर जा रहे हो तो डिवाइडर है जो 2 सड़कों के दरम्यान उन्होंने जो ना ग्रीन वो अंदर पौधे लगे होने जरूरी ने गमले वो अंदर अच्छे पौधे हो ग्रासी हो फिर साइडां ते तुसी प्लांटेशन कर दे जे लेकिन अनफॉर्चुनेटली जे मैं इत्थे ही अवेयरनेस ली जे मैनूं इजाजत दिओ तो मैं कोई गल भी कर लवां कि डिवेलपमेंट करन दे दौरान हाईवे वालिआं नूं या बाकी वासा या दूसरे जितने भी डिवेलपमेंट अथॉरिटीज़ ने उन्हां दे हवाले नाल मेरी पिछे भी लास्ट मीटिंग च उन्हां नाल गुजारिश की सी और वो ना उहदे एगरी कि उन्होंने इस गल ते मन गए कि असीं पहले भी इस चीज़ नूं देखने और मजीद वेखांगे वो इस तरह के बस टैंक के दोनों तरफ सड़क बन रही है और वो सारी उन्होंने फिलिंग कर छड़ी और बिचकार सेंटर से सानू कह छड़िया लो जी अच्छा तुसी पौधे ला लो तो पौधे जड़े ने वह जिनी देर 6 फुट की डेप्थ ना हो थले मट्टी तक पौधे की एक्सैस ना हो उन्होंने रूट्स जड़े ने उत्थे तक ना पहुँच सकन तो बेकार है। एक तो गवर्नमेंट का भी खर्चा हो जाता है ठेकेदार का भी खर्चा हो जाता है तो लिहाजा है ग्रीन बेल्ट के हवाले जरा इनू प्री प्लैन ही कर लेना चाहिए कि ये साड़ी रिक्वायरमेंट हॉर्टीकल्चर वाले 6 फीट है
वो डिवाइडर छड़ देन उन्नी जगह पर उसे असी प्लांटेशन कर दी है उन्होंने भी जी फिलिंग की है। फिर बादों असी उन्होंने खेड़न की पुटन की कोशिश करते रहने तो लेकिन वो पुटिया भी नहीं जाता तो पौधे भी इस तरह परवान नहीं चढ़ते। बिल्कुल एक ग्रीन बेल्ट है कि फिर थोड़ी प्लांटेशन अच्छी हो डिवाइडर से थोड़े अच्छे पौधे होन और इस तरह पार्क्स के हवाले न ट्रैक ने ग्रीन बेल्ट ने पार्क्स मैं हूँ समझना कि पार्क्स जोड़े ने जो ट्रैक वाले पार्क ने जिते लोग वॉक कर आते हैं इन्हों का दर्जा इन्होंने जी सेंटिटी है वह तो इज्जत और रिस्पैक्ट जी हॉस्पिटल देनी चाहिए है। मैं तो देखना कि पार्क जो लोग खातीन और मर्द जो वॉक कर रहे होंगे ने जॉगर्स पा के जिन्हों का ब्लड प्रैशर कोलेस्ट्रोल और शुगर पार्क ठीक होंगी है शायद हॉस्पिटल होंगी है या नहीं होंगी तो ऐसी मैं जो मेरा मेन एक कंट्रीब्यूशन अलग करे इस तरह प्रवान चढ़ जाए कि मैं तकरीबन 9 पार्क की डिफरेंट किस्म की जो ऑप्शन की लैटरीन कंस्ट्रक्शन करने सही सही। और इस तरह तुम देखो कि गोल बाग जोड़ा गुलगस्ताला और जिते मैं बोगीज और ट्रेनर्स अपनिया जीडिया ने वो मैं ऑप्शन की लास्ट फ्यू डेज बैक उन्होंने मैं कंपलसरी करता है कि वो अपने अपने पार्क ना लेडीज़ और जेंट्स वाशरूम बनाएंगे और जोड़े वाशरूम बने ने मना मेन मसला तो है कि या उत्थे लोटा नहीं या टूटी टूटी है या उत्थे मोटर नहीं है तो पानी नहीं और यह देखो कि अगर उत्थे जे वॉक करने के दौरान बूढ़े लोग बुढ़े बुढ़े लोग होंगे ने और अगर उन्होंने वाशरूम की फैसिलिटी नहीं है तो वह जाहिर है कि वो उन्नी देर नहीं हो सकती मेनटेन जिनी देर सरकारी वो मैं सारे फैसला कर लिया ऑक्शन मैंने ऑक्शन अखबार इश्तहार दे दिता है या थोड़ी जी नॉमिनल फीस होएगी 5 रुपये वो 5 रुपये देने की अगर तुम वाशरूम साफ लब जाए और कितने दसवीं 5 रुपये नहीं वेखना चाहिए तो चीज़ा मेनटेन हो जाए एडमिनिस्ट्रेटर कंसर्न जोड़ा वो रिसपोंसीबल होएगा वह तो इस तरह वाशरूम तो मेरा बड़ा फोकस है कि हर पार्क के अंदर वाशरूम जोड़े वैल मेनटेन हो। मैं जो पार्क जी विजिट किया दो ही चीज़ें मैं मोस्टली देखी है हॉर्टीकल्चर तो दूरों नज़र आ जाता है कि पौधे को गोडी हुई पी है पानी दिता है मुरझाए ने लेकिन ट्रैक से चल के देखना पैदा तो वाशरूमों के अंदर जाके जरा ना कमोड वगैरह से पानी ज टूटिया तो लोटे आप चेक करने पैदा। बिल्कुल सर वो चेक करने की जरूरत भी होती है बाजूकात खवातीन वास्ते बड़ा मसला हो जाता है। देखो रब वालों ड्यूटी जो लग गई है तो फिर जवाब भी तो उन्हें ही होना है ना तो फिर अल्लाह ताला काम ले लवे साडे कोलों ते साडी खुशकिस्मत ही और कबूल भी हो जाते। सही। अच्छा सर पीएचए दे अंडर किन्ने पार्क्स जेडे ने इस वक्त आ रहे ने और किन्ने मजीद तुसी डेवलप कर रहे हो? 72 ने 72 पार्क ने टोटल ते 13 जेडे ने असी नवे डेवलप कर रहे हैं। ठीक। और एदे च एक बड़ी है जिस मैं गल दसा तुहानू बड़ी मजेदार के साडा हुण जेड़ा ना हॉर्टीकल्चर दा गवर्नमेंट ने फिक्स कीता होया 1% जिथे भी जिहड़ा भी डिपार्टमेंट शहरी डिवेलपमेंट करेगा फर्ज करो उसका बजट जिहड़ा 50 करोड़ का या उसका 50 मिलियन का 50 मिलियन में 1% जिहड़ा ना वो पीएचए नू जमा कराएगा। सही। और इस तरह जब पीएचए नू जमा कराएगा तो वो नाल फिर अपनी साइट्स आइडेंटिफाई करके देगा पहचान करेगा अपनी अपनी जगह की क्या ग्रीन बेल्ट बना दो जी ए पार्क बना दो इतने जरा डिवाइडर के अंदर ए ले पौधे लगा दो फिर असी उन्होंने 3D के पहले चीज़ा बना के देने है। सही सही सही। फिर असं जिस टाइम उन्होंने चीज़ा देने वनू पसंद कर लेंगे ने फिर असं उसके काम शुरू कर देने उस 1% साढ़े महकमे का सिर्फ 12% सर्विस चार्जिज होते हैं बाकी सारा पैसा असं उन्होंने ला देने लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कि एक दो डिपार्टमेंट तो अलावा सानू 1% अजे तक किसी ने दिता असी लैटर लिखे ने मुतलका अपने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहब और अपने साउथ पंजाब ACS साहब जो ने एडिशन चीफ सैक्रटरी साहब जोड़े ने कैप्टन साकब जफर साहब उन्होंने भी बड़ा फोकस किया है तो कुछ दिन पहले उन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट्स नू अपने वालों भी तंबी की है कि अपनी डिवेलपमेंट के हवाले जो 1% हॉर्टीकल्चर का बनता है वो तुम जमा कराओ एवं खा मुखा की फाइनैशियल जी ने इरेगुलरिटी बनती है अगर तुम नहीं देंदे इतने तो देखो इस तरह जिस टाइम बजट आ जाए और फिर अपन साइट्स जड़िया ने सू आइडेंटिफाई करके दे दें तो मैनू मेरा नहीं ख्याल कि कोई नुक्कर जी है यहो जी बच जाएगी जिते घा पौधा फुल रह जाए। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अच्छा सर प्राइवेट जो हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह होंगे ने PHA उन्होंने लिए भी कुछ काम करता है? अच्छा वो तो मेरी रिक्वेस्ट मैं सेक्रेटरी हाउसिंग नाल भी की सी कि सर मैं चौधरी आसिफ साहब सन उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट की सी कि उन्होंने खैर शायद मैं DG MDA साहब ना भी मेरा मैटर टेकअप किया कि सोसाइटियां जितना भी है ना NOC वगैरह वो PHA के थ्रू होना चाहिए
क्योंकि पी एच ए का जिन्हें देर एन ओ सी ना आए तो उन्होंने नक्शे पास होने या दूसरे जो भी बिल्डिंग प्लान आई डोंट नो वट एवर दैट इज़ कि वो जरा नहीं होना चाहिए उन्नी देर जिनी देर असी एन ओ सी ना दे दीए और फिर वो अगर फर्स्ट करो ग्रीन बेल्ट की अगर तो कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कोई सोसायटी कोई कार तो जरा ना फिर असी भी वो जरा ना स्टेक होल्डर होवे और असी बकायदा हाईलाइट भी करा और इस तरह जरा ना उन्होंने मामलात ने कि सोसायटी जी है ग्रीन बेल्ट से जी जगह उन्होंने डिमार्केशन जी की है या जी घर के इर्द गिर्द बार है वे वो इनक्रोच नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, किले के बारे दसो मैं किला कोहना के बारे कि उत्तर कुछ मजीद कोई डिवेलपमेंट का काम जो है वो चल रहा है। मैं सुना कि उत्तर कोई रेलवे रेस्टोरेंट बना रहे हो। वो ये भी एक अपना एडिशन चीफ सेक्रेटरी साहब का था कि वो बोगीज़ उन्होंने ये हमें उसमें उन्होंने फिर उन्होंने मैं कुछ मेरे नाल भी गल हुई तो मैंने वहाँ पे कहा वॉलंटेरली कि सर ये बोगियाँ जड़िया ने सानू दे दी जा बोगियाँ असी जरा ना इनू अलहमदुल्ला वो बड़े हम कामयाब हुए। पहले हमने उनकी जगह जो है उन्होंने जगह आइडेंटिफाई की थी एक थे गोल बाग जरा गुलगश्त वाला वो सामने जी स्कूल की दीवार जी ऑलरेडी जगह सी जी पहले कब्जे चली गई सी फिर असी वो रिट्रीव की वापस लीती लोगों को। तो दूसरा यह सी कि किला कोनो कासो पाक तो जिस टाइम तुम एंटर होंगे जे तो लैफ्ट साइड से जो पोर्शन है वह असी बोगी दूसरी सैकेंड जी जगह असी आइडेंटिफाई की और ए सी एस साहब ने कैप्टन साकब जफर साहब ने भी वो एग्री किया प्लस असी एक्शन करती गुलगश्त वाली 2,70,000 पर मंथ साड़ी एक्शन गई जी और इस तरह किले वाली 1,70,000 से गई सही। और बोगियों की कंडीशन तो माशाल्लाह उन्होंने तो ना फरश ने तो ना कोई और चीज़ है लेकिन जेडे असी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जी टर्म्स एंड कंडीशन ने साड़िया सिर्फ बोगी मेनटेन नहीं करेंगे वो बोगी बिल्कुल डायनिंग कार्स जी असी 3D उन्होंने दी है उस तरह की वो डिवेलप करके देंगे शॉर्ट लिमिट टाइम 1.5 महीने से डिवेलप करेंगे अदरवाइज असी जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट है कैंसल कर देंगे। फिर उस अलावा वो जो गुलगश्त वाले ने गोल बाग वाले वो यह करेंगे कि जोड़ा बाग है वो अंदर खातीन के जेंट की 3-3 लैटरीन बनाएंगे फिर वो बिजली और वो पार्क मेनटेन करेंगे। सेम इसी तरह जो किला कनक आसम पार्क है उत्थे दे जिहड़े बोगी दे जिहड़े कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ऑक्शन जिहड़ी है ना उन्हें विन की है वो जिम्मे एक तमाम लाइट्स चेंज करना लाइट्स मेनटेन करना पार्क की और ये आलमोस्ट सारिया जिम्मेदारियां भी नाल असी शिफ्ट करती हैं। सही, बिल्कुल सही हो गया। सर सर जी जिहड़े चौराहे वगैरह होंगे ने चौक वगैरह होंगे ने उत्थे दी लाइटिंग्स का इंतजाम सारा वो भी तुहाडे जिम्मे ते ही होना है जी। लेकिन वो अलहमदुल्ला के वो हमारे कोई 5-6 प्रोजेक्ट हैं इस वक्त आप देखें कि BZU का जो चौक है वो अगले 5 से 6 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह हमने बहाड़ी से जो बाबर चौक है वो देखें कि वो डेवलप हुआ हुआ है। ये सारा जो है ना ये पब्लिक प्राइवेट जो है ना ये पार्टनरशिप के तहत ये हो रहा है उसमें ये होता है कि ये पार्क की मेंटेनेंस वो करता है पार्क को वो करता है डेवलप करते हैं और उनके साथ एक छोटा सा ये होता है कि वो जो अपना लोगो कंपनी का लगा लेते हैं अपना वो एडवर्टीजमेंट जो लगा देते हैं उसमें ये है कि हम उनको एडवर्टीजमेंट फ़ी चार्ज नहीं करते फॉर दिस रीज़न कि वो उसका ख़र्चा चौक का जो है मेंटेन कर रहे हैं उसकी घास फ्लावरिंग लाइट्स वगैरह ये सारा कुछ तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना ये पब्लिक के साथ पार्टनरशिप पे हमारी जो चीज़ें सेटल हो रही हैं तो इंशाल्लाह इस पे 4 प्रोजेक्ट्स और भी हैं मेरे जहन में वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। एक तो ये निस्तर वाला निस्तर जो हॉस्पिटल का जो है राउंड अबाउट इस पे अब हम फोकस करने लगे हैं तो इस तरह से सही सही सही। सर एक थोड़ा एक होर भी काम होता है एक तो चलो इवेंट्स के बारे में बात गल करा पहले एडवर्टीजमेंट होती है सर रेगुलेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट ए मतलब जी मैंने आपको स्टार्ट में कहा था मैं तो स्टार्ट किया कि मैं जड़ा ना ये जी सेकेंड फेज जड़ा ना मेरा हूँ एडवर्टीजमेंट वाले पास मैं फोकस कर रहा वहाँ ये मैं अपने एडवर्टीजमेंट के जोड़े जोन ने 2 जोन अपने एडवर्टीजमेंट न मैं तकसीम किया वे। अच्छा हूँ जोड़ा भी बोर्ड बार लगा होगा ना साढ़े तकरीबन 388 बोर्ड ने हूँ 388 बोर्डों की जियो टैगिंग तो हो पी है लेकिन ये मजीद असी यह कर लगे हाँ कि इन थले लैफ्ट साइड से हर बोर्ड के थले उदू बकायदा लिख रहे हैं जोन 1 या जोन 2
और प्लस उस बोर्ड की जी फीस जमा हुई है वो हवाले बोर्ड की जी रजिस्ट्रेशन है वह रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने लगे ताकि इस अलावा जिस थले रजिस्ट्रेशन नंबर ना हो पब्लिक से भी आसान हो आइडेंटिफाई करना कि यह किस तरह लगा है और प्लस एक के साफी लोग भी जो हाईलाइट कर सकन प्लस जो भी ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हो या जो भी है वो देखे तो वो पूछे तो फिर उस पे जो है ना वो सारे एक पेज पे होंगे तो ऐसा कोई माफिया भी जो उसको जो है एडवर्टाइजमेंट बेसिकली किस किस्म दी होती है अगर मैं पूछा जनरल क्वेश्चन ये ज़्यादातर तो ये कमर्शियल है एक्टिविटी आपकी कमर्शियल एक्टिविटी में जब आप जो है एक बोर्ड लगाते हैं डिफरेंट जगह होते हैं कंपनीज वगैरह बिल्कुल उन्होंने होंगे ने डिफरेंट कंपनीज जो अपना बोर्ड एडवर्टाइजमेंट करना चाहदियाँ ने कोई स्टीमर लगाते हैं कोई बोर्ड लगाते हैं कोई LED जो है वो प्ले करते हैं उस पर प्ले करते हैं जिस तरह अब्दुल कश के ऊपर मैंने देखा हुआ है सारे चौकस और सारी जी ग्रीन बेल्ट है उन्होंने ऊपर अगर लगवाना चाहते हैं तो फिर उत्थे आके कॉन्टैक्ट कर देंगे थोड़े हाँ उसमें ग्रीन बेल्ट्स का नहीं है वो आप कहीं भी लगा लें ना जिस तरह ये मेट्रो के पिलर है अब ये आपने मेट्रो के पिलर देखा होगा कि हमने वो कुछ कंपनी को दिए और उन्होंने एक अपना लोगो बीच में लगाया हुआ है और उसके साथ जो उन्होंने पूरा पिलर पेंट कर दिया है उसने कोई मैसेज कर दिया है कि इसमें अल्लाह ताला के नाम है किसी में उन्होंने शजर को हमने पर्सोनीफाई किया है और वो एज ए एक शजर जो है वो अपना एक मैसेज दे रहा है जितने भी लिसनर्स और जितने भी साढ़े वॉचर्स है ना सारे बड़े कन्फ्यूज हो रहे होंगे उर्दू सुनिए क्या पंजाबी सुनिए ये थोड़ा सा बायलिंगुअल जो है अब तो देखे ना बायलिंगुअल तो अब पूरी कौम हमारी बायलिंगुअल है कभी इंग्लिश उर्दू है मेरा ताल्लुक तो वैसे तो KPK नाल है मेरे को पंजाबी बुलवाली जिनी है थोड़ी तो हिम्मत है अदरवाइज ते मैं उन्दे जी दसो मैं दोबारा पंजाबी जी कहना जी जी सर से एडवर्टाइजमेंट दे वाले ना गल कर जी एडवर्टाइजमेंट दे वाले ना जी मेरी फाइनल सी वो मैं तोड़ना रही कि असी जो है ना हूँ इन्हों डिफरेंट जोना तकसीम करके और साड़ी जी कमर्शियल एक्टिविटी होंगी है वो फिर साड़ी चार्जिंग होंगी है कि जी तुम एडवर्टाइजमेंट करने उ PHA के अंडर आती है एडवर्टाइजमेंट विंग इन वेखदा वे इस हवाले जनू और फीस जमा कराओ रजिस्ट्रेशन लो फिर करो अदरवाइज नहीं और जोन टू मतलब डिफरेंशिएशन किस तरह करेंगे कि जोन वन की है जोन टू की है ये डिवीजन है इसमें चार टाउन है हमारे बोसन टाउन इसमें शमस और इस तरह के ये दो हमने टाउन उधर डिवाइड कर दिए दो इधर कर दिए इस तरह चार टाउनों को दो जोन में कर दिया ठीक हो गया सही अच्छा सर अगे क्योंकि जश्न बहार आ रहे हैं सारे की जड़िया नजर होनी ने पार्कों के वल्ले होनी ने कि सारा येलो येलो हो जाएगा हर तरफ फुल जड़े ने उन्होंने नुमाइशा जड़े ने शुरू हो जाएंगे तो की प्लान है तुम की कर रहे हो इस हवाले इस हवाले साढ़े तो मुख्तलिफ किस्म के असी ना 24,000 जड़े जायद गमले असी जो इस टाइम उन्होंने साढ़े चल रहे हैं और नर्सरियाँ असी अपनी खुद ही असी परचेज तो करते नहीं असी ये सेल्फ जड़ा ना इंडिपेंडेंट असी इस हवाले जड़ा ना इस सब तो टॉप से जड़ा ना पटोनिया साड़ा फ्लावर जड़ा है पटोनिया सब तो टॉप से जा रहा है जिसनों देखा जाता है फिर उस ड्रेसिनिया के मुख्तलिफ किस्म के फुल ने डिफरेंट किस्म के और इस तरह असी 10,000 दरखत लगा रहे हैं और 1,00,000 तो ज़्यादा जड़ा है ना फुल जड़ा ना और फ्लावर कारपेट जड़ा ना असी उन्होंने अंदर लगाए ने ये ड्रेसिनिया है और पेंसी वगैरह है ने फुल जड़े माशाल्लाह मुख्तलिफ रंगा च बड़े अट्रैक्टिव होंगे ने लास्ट तुम सा फंक्शन देखा होना है लेकिन हूँ इस टाइम गौरमेंट का बड़ा रुझान है इस हवाले नाल भी लाहौर नू असी देख रहे हैं कि उन्होंने हॉर्टीकल्चर के हवाले नाल हुणी तो बड़ा फोकस कर रहे हैं और बड़ा हाईलाइटेड है लेकिन साड़ी तैयारी चल रही है लेकिन साड़ी तैयारी जी है ना वो इंशाल्लाह असी तुहानूं रिफलैक्ट करांगे जिस तरह तुसीं साडा विंटर दा देखिया सी इहदे च असीं हुण फुल्लां तक कन्फाइन नहीं रहांगे क्योंकि लास्ट साडा जिहड़ा विंटर फैसटिवल सी वह भी बड़ा सक्सैसफुल रहा उहदे च बच्चों ने जिहड़े प्ले लैंड ने जंपिंग कैसल्स ने और फूड स्टाइल ने फूड स्टॉल्स ने सॉरी फूड स्टॉल्स जिहड़े ने उन्होंने लोग और फैमिली और खातीन बड़ा इंजॉय करते हैं और खाली अगर तुसीं फ्लावर एग्जीबिशन दिखो तो दैट इज़ जस्ट अराउंड लेकिन जब आपने वहाँ पे जो उत्थे प्ले लैंड भी लगाता है उत्थे फूड स्टॉल भी लगाते फिर फैमिली जी ना कम से कम उत्थे 2-3 घंटे बड़ा आसानी ना पानी अवेलेबल है डिफरेंट चीज़ा ने आइसक्रीम वगैरह तो फिर असी साड़ी कोशिश है भी होनी है कि एक अद्धा कोई म्यूजिक का भी अच्छा प्रोग्राम म्यूजिक नाइट भी जी ना लास्ट नाइट जो एंड किया जाए वह असी मार्च के मिड ची डेट्स असी टेंटेटिव रख लीए तकरीबन 17-18-19
ਸਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਬਿਖੇਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਵਨ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿਧਰੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਲਦਾਉਦੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਟਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 20-25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਸੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਰਕ ਸੀਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਦੈਟਸ ਆਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਮ ਪਾਰਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਾਸਮ ਪਾਰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਐਕਸੈਸ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਪਲੇ ਲੈਂਡ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਰਲ ਹੈ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਜ਼ਰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਹੀ 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 ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇ ਲੈਂਡਸ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਫੂਡ ਸਟਾਲਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਟਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਲਾਵਰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਫੂਡ ਸਟਾਲ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਨਾਈਟ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਜੇ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਹੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 3 ਦਿਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਹ ਅਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਦੀ ਕਲੋਜਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ 9-10 ਵਜੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਉਣ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਲ ਵਗੈਰਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ 10-11-12 ਵਜੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ 2-3 ਵਜੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟਾਈਮ ਰਸ਼ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡੇ ਕੋਲ ਬਹਾਰ ਜੈਸਾ ਵੈਦਰ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮੀ ਸ਼ਰਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਲਾਨੀ ਪਾਰਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੈਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੈਡਮ ਉਨਸੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਟ ਕੇ ਵਾਲੇ ਸੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ वहाँ पे वो लगाएंगी और वो और उसमें कल्चर भी रिफ्लेक्ट होगा उसमें जी बिल्कुल ठीक है सही हो गया सर और इसके अलावा सर तुम्हारे मजीद आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं मैं उन्होंने के बारे में थोड़ा सा कुछ दसो हमारे तो ये इसमें विहाड़ी के हवाले से देखें तो विहाड़ी में इससे पहले जो डिप्टी कमिश्नर थे सफदर विरक साहब उन्होंने मुझे जो है वो 1% के हिसाब से डेवलपमेंट का अपना 10 करोड़ रुपया PHA के अकाउंट में जमा करवा दिया हमारी 3 Ds के हिसाब से उनको हमने जो जो करना था जो जगह उन्होंने आइडेंटिफाई की थी वो भी ओके हो गई ऑलमोस्ट वो अप्रूवल के एंड पे थी कि वो ये ट्रांजिशनल फेज़ आ गया और वो इसको हमेशा को हम कंटिन्यू करेंगे बिहाड़ी के ये मुल्तान डिवीजन के हवाले से ये बाकी 1% के हवाले से जितनी अवेयरनेस जितना वो होता जाएगा लोग आइडेंटिफाई करवाते जाएंगे तो ये PHA काम ना भी करना चाहे तो इसको करना पड़ेगा फोकस तो ये है कि एक दफ़ा वो 1% दें और अपने प्रोजेक्ट्स हमें दें फिर वो देखें कि PHA डिले करता है या क्या होता है तो ऑटोमेटिक ये डेवलपमेंट फिर बड़ा जो है ना एक स्पॉन्टेनियसली जो है ना ऑटोमेटिक एक रास्ता एक मिल जाएगा काम दिन रात करने का और वो काम अच्छा सर रोड्स दे आसे पास आले दुआले ऐसे देखे कि दरख्तों की बड़ी कमी है मुल्तान ओदे ते कोई काम वगैरह तुसी कर रहे हो अच्छा उस साइड से तुसी सानू ये दसो कि तुसी फुटपाथ बना दिते ने फुटपाथ ते ते रेड़ियां लगियां ने चलदे ते पता नहीं कोई है नहीं या नहीं लेकिन उत्थे सानू तुसी जगह भी देते नहीं देते कोई मिट्टी वाली जगह दो तो फिर असी उत्थे कुछ करके तुहानू दिखाईए जे तुसी सानू वो जगह पक्की करके नाल दीवार ही पक्की वो जगह ही नहीं छटनी हुण मेरे कोल कल तकरीबन एक राबता कीता है भी स्कूल दी हेडमिस्ट्रेस ने कि बच्चियां ने कंट्रीब्यूशन कीता है 200-200 रुपया
फी पौधा कि हमने लगाने हैं। उन्होंने जामन के पौधे में उन्होंने कह लो कि क्योंकि मार्केट तुम इस टाइम पूरे शहर ही देखो कि असं हर पौधा लगा रहे हैं, फ्रूट वाला कोई पौधा ही नहीं ला रहे, ना शहतूत ला रहे हैं, ना अमरूद लगा रहे हैं, ना जामन लगा रहे हैं, कोनू पौधा लाता है, दूसरे पौधे लगाते, वह रिजल्ट है कि परिंदे बेचारे जो खेतों जाते हैं तो उत्थे भी अगर खाद वाली उन्होंने खुराक मिलती है, शहर जाते हैं तो कोई फ्रूट वाला दरख्त ही कोई नहीं है, घर वैसे लोगों ने लाने छड़ दिते ने। तो ये मेरा जो लास्ट MN यूनिवर्सिटी जो रबता होया सी, वो मुंडे भी इतने आए सन स्टूडेंट सारे, उन्होंने भी यह गल की सी कि सर पौधे जोड़े ने सू शिफ्ट होना चाहिए कि यह आम पौधे तो निस्बत जो सिर्फ ग्रीनरी देते हैं, फ्रूट फलदार पौधे वाले पास आई गए सी। तो वो बिल्कुल मैं इससे फोकस करके मेरी कोशिश है कि हूँ मैं जोड़ा भी अगर पौधा खरीदना पै गया तो मैनू लगाना पै गया तो मैं शहतूत जामन अमरूद इन्हों पौद्या तो बाहर नहीं जाना। सही। ठीक है ना, उन्हें गल पैंदा है जो भी पैंदा है, इंसान खान इंसान ही खा सकते तो उत्ते बैठे परिंदे आके जाके खान। तो एक मैं कल जड़ा ना इनू गोल बाग तकरीबन 20 पौधे जामन दे लगवा रहे हैं और वो बच्चे खुद आके लगाएंगे और वो बच्चे की पॉकेट तो खुद वो तीन तीन चार चार फुट के पौधे उन्होंने डेढ़ डेढ़ दो दो सौ रुपए के पैसे सानू जमा कराए ने, असी अज खरीद लेने ने, कल असी जड़ा ना 3 बजे कल गोल बाग पौधे जामन दे लगाने। सही। तो बच्चों भी तुसी बुलाओगे जिन्होंने? बच्चे आएंगे, बच्चे आएंगे, फिर इस तरह बाकी जगह से शोर फैलेगा, बाकी लोग रबता करेंगे। तो हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, हम तो करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, हम कहते हैं हमें आइडेंटिफाई करके जगह दे, तो हम इंशाल्लाह इसको जो अच्छा सर जिस तरह की अगर तुसी मेला वगैरह तुसी करना चाह रहे हो तो सिक्योरिटी के इंतजाम रहेंगे? देखिए सिक्योरिटी तो पूछें तो सिक्योरिटी तो है, तो फिर अल्लाह की सिक्योरिटी हर जगह पे ये नहीं है तो नहीं है, अब कोई काम रुका तो है नहीं सिक्योरिटी की वजह से, ना कोई जलसा जुलूस रुकता है, ना कोई प्रोग्राम रुकता है। अब हम कहें कि ये फेस्टिवल रोक दें, हमारा काम है पर जो सिक्योरिटी की जो कंसर्न एजेंसीज हैं उनको बता देना, लिख के बता देना कि जनाब हम ये काम यहाँ पे कर रहे हैं। सही। ये अब उनका है सिक्योरिटी का ना, हमारे जो सिक्योरिटी वाले हैं हमारे तो बगैर डंडे वाले सिक्योरिटी वाले हैं। सही। नहीं तो वो तो खड़े होंगे नीली पीली वर्दियाँ पहन के, वो खड़े होंगे, वो ज़्यादा ज़्यादा ये कहेंगे यहाँ खड़े ना हों, यहाँ रश ना लगाएं, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों में, ख्वातीन में और दूसरों में, फैमिली के जो लोग हैं, इसके अलावा तो उनको कोई रोल नहीं दिया जा सकता। तो हमारा तो काम है लेटर लिख के बता दे रहे कि ये इवेंट है, तो इसको जो है वो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है वो देखे इसको। सर वैसे पौधे लगाने की और इस तरह की कोई एक होती है ना कि एक तंजीम चलाई जाती है, एक मुहिम चलाई जाती है स्कूलों के कॉलेजों के जाके उन्होंने आगाही देना कि भाई हूँ गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो जिस तरह तुम्हें कहा कि बच्चों ने थोड़ा डोनेट किए हैं, बाकी कॉलेजेस दे लेवल ते यूनिवर्सिटीज दे लेवल ते जाके उन्होंने गाइड करना, कोई टीम बना के मुहिम चलाना कि भाई आके तो बड़ी अच्छी गल की तुसी यूनिवर्सिटी ते तुसी देखो कि यूनिवर्सिटी जड़ी है ना पौधों के हवाले नाल वो तो बड़ी जड़ी है ना उहदे च कमाल हासिल है उन्हों के उन्होंने तो तुहानूं दरख्त ही दरख्त नजर आएंगे। गल आ गई स्कूलों के कॉलेजों से, स्कूलों के कॉलेजों से मैं जाके पौधे लाने लिए तैयार हाँ, जिदों गल करो तो पौधे जाके देखो 3 महीने बाद पौधे खत्म हो जाते हैं। प्रिंसीपल को चौकीदार है तो माली नहीं है, माली है तो चौकीदार नहीं है, वो इस लड़ाई तो बाहर आते नहीं, जेडे 3 चौकीदार ने वो पानी नहीं देंगे, पानी नहीं तो मोटर नहीं, मोटर नहीं तो स्कूल कॉलेज को वड्डा पाइप कोई नहीं उत्थे तक पानी पहुँचा सकते। सर इस तरह की गाइडेंस दी जा सकती है ना स्टूडेंट्स नूं कि स्टूडेंट्स अपने लैवल दे उत्ते की वो लगा सकते हैं। वैसे साडे मुल्क च मेन मसला है कि चीज़ लाना कोई मुश्किल नहीं, ये दो ही काम ने, ना कानून बनाना मुश्किल है तो ना कोई जड़ा ना चीज़ लानी मुश्किल है, उसकी मेंटेनेंस और उसकी इनफोर्समेंट जड़ा ना वो साडे लिए बड़ा मसला बने ओनू, जिनी देर तुसी अवेयरनेस नहीं होंगी, जिनी देर तुसी उन्हां चीज़ां नूं जड़ा ना ग्रास रूट लैवल ते जाके खुद नहीं वेखदे तो ये चीज़ा जड़ियां ना वो मज़ेदार नहीं रहिंदी। तो इस हवाले साडी थोड़ी मजबूरी है मेंटेनेंस के हवाले नाल, लेकिन स्कूल कॉलेज के बच्चों का शजरकारी मुहिम उन्होंने 1-2-4 पौधे तो लगाते हैं, लेकिन अगर वो सानू कह तो मार्केट नालों असी बहुत सस्ते पौधे लैके उन्होंने दे सकते हैं। अवल तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो बजट है डिवेलपमेंट का वो ही 1% सानू दे दें तो कह जी इतने ला दौ तो कर दौ तो असं तो भर देंगे सारा स्कूल कॉलेज ही। फिर मेंटेनेंस रखने का भी
ਜਿੰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇਣ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਔਰ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਓ ਨਾਲ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ 4-5-6 ਮਾਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਇੱਕ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ 3-3 ਸਨ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 15 ਮਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 8 ਪਾਰਕ ਇੱਕੋ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇ 8-8 ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਸਫਾਈ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੋਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ 8 ਦਿਨ ਇੱਥੇ 8-15 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਾਊਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਾਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਸਕੂਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਕੂਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਕੂਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਕੂਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਗੋਡੀ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀਮ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਸੀਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੀ ਐੱਚ ਏ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਦਮਾਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ 54 ਜੋ ਹੈ ਨਾ, 54 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 54 ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1-2 ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ 54 ਬੋਰਡਸ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਬੋਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕੋਠਾ ਟੱਪਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਠਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬਲੈਕ ਸਿਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਖੇਡਣ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਪ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੌਕਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਪਿਲਰਸ ਰਹਿਣ, ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰੂ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਲਈ 3D ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਿਲਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਗੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਪਿੱਲਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਸਰ, ਈਵਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਰੇੜੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵਾਰਡਨਸ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਿਕਚਰ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 3rd world ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ MDA ਨੇ ਅਤੇ PHA ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਨੀਅਰ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੰਸਰਨਡ AC ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇ ਔਰ MDA ਦਾ ਸਟਾਫ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੇ 2-3 FIRਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੂਰ ਔਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰਿਲੈਕਸ,
तो फिर चीज़ा ज़रा थोड़ी जी मुश्किल हो जाती है। अच्छा सर, एक कंसर्न का मैटर सी कि मैं इतने आने तो पहले दो पार्क विजिट किए, एक तो जोड़ा है वे शाशम्स पार्क और दूसरा जनाह पार्क। जनाह पार्क तो मैं गई सी तस्वीर देख के, बेसिकली मैं फर्स्ट टाइम ही विजिट किया, तस्वीर देख के गई सी कि बहुत वाटर पार्क है और उत्थे काफ़ी सारिया चीज़ा ऐसा है जिन्होंने मैं कवर कर सकाँगी, तो उत्थे मैंने कवर करने वास्ते कुछ मिला ही नहीं क्योंकि हर चीज़ उजड़ी पई। जी वजह फरमा रहे हो इस तरह कि 2000 तो पहले 99 एक कॉन्ट्रैक्ट दिता गया सी जिहड़ा चला रहा सी अपना अपना स्लाइड वगैरह और शावर वगैरह जो पानी का सारा सिस्टम है सी। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर ने फिर उस तो बाद 10 साल तक इंजॉय किया, फिर वो कैजुअलिटी हो गई, मेरे ख्याल उतो कि हादसा हो गया, उत्थे हादसा होने तो बाद फिर वो जरा बंद भी हो गया। फिर उस तो बाद कॉन्ट्रैक्टर ने कोई पेमेंट देनी बंद करती, तो वी हैव रिट्रीव्ड लास्ट ईयर ना। अच्छा। आई वाज देयर एट टाइम एडिशन सेक्रेटरी, उस टाइम फिर डीजी साहब ने, सबका शक्कर रजा साहब ने बड़ी मेहनत की थी, सेक्रेटरी साहब ने बड़ी मेहनत की थी, तो ए असी ना ए सी एस साहब ने अंडर जरा ना सुपरवीजन असी वो रिट्रीव कर लिया, असी झूले शूले भी पुट ले हर शायद कम। हूँ उत्थे 9 झूले जड़े ना साढ़े 11 लाख के ऑक्शन हो गए। अच्छा। ट्रैक जड़ा है उसका काम शुरू हो गया, बिजली चोरी हुई, 2 दफ़ा एक चोर भी फड़ लिया, 2 बिजली दी FIR भी देती हैं, वो तारा ही फुट के लै गया। हूँ इस टाइम दोबारा चोरी भी रुक गई है, 1.5 महीने तो चोरी की कोशिश कर दी, ट्रैक साढ़ा जरा। अच्छा, हूँ असी जरा 6 तकरीबन 16 दिन पहले जी एक नजायज़ नर्सरी बनी हुई सी अंदर, अच्छा, कब्जा किया बैठा सी, वह भी उस कॉन्ट्रैक्टर ने बिठाया से, असी उतों की नर्सरी सारी पुट पटा के तो वो बंदा फारा करके वह भी जगह रिट्रीव कर ली 16 दिन पहले। हूँ साडा मेन एवे कि वो ऑक्शन जी सक्सैसफुल हो जाए, जिस तरह बोगी की हो गई है, साड़ी शाह शमस की हो गई है, साड़ी सीधा उदो पार्किंग नहीं गया तो जी झील बनी सी, झील के उत्ते असी जरा हूँ मोटर कार्ट जरा असी बना रहे हैं, क्योंकि कितने डेप्थ बड़ी है, डेंगू की वजह झील कामयाब भी कोई नहीं, पानी भी खड़ा रहता, वो सफाई मेनटेनेंस का भी बहुत खर्चा है, तो असी हूँ उत्थे कोई जरा इस तरह डॉजिंग कार या मोटर कार्ट वगैरह वो असी उत्थे डिवेलप करवा रहे हैं, वो ऑक्शन हो गई है, तो वो पिछे एक छोटा जा रेस्टोरेंट है, तो यह हूँ असी ना ऑक्शन साड़ी आ गई, तो असी इंशाला इनू होर 2-3 महीने इंशाला जरा ना तो रिजल्ट देंगे कि तुम जनाह पार्क मोटर कार्ट वगैरह बनवा ली है जिदे ते ना बच्चे इंजॉय करन फलाना। मैं सानू कहा कि सर इत्थे जिहड़ा ना मुनासिब नहीं है कि असी जिहड़ा ना पानी वाला काम जिहड़ा ना, एक तो महंगा बड़ा पै जांदा, वो इतना पानी चेंज करना, उन्हें मेनटेन करना, वो बड़ा लंबा काम पै जांदा, तो फिर असी जिहड़ा ना हुण थोड़ा झील तलो शिफ्ट किया, असी टिल्ड किया टूवर्ड जिहड़ा ना असी कोई गेम शेम वो अंदर, बच्चों की गेम बहुत ज़्यादा जरूरत है, वैसे वो नीचे उतर के जाके खेलेंगे तो वो। दूसरा जरा आखिरी मैं तुम्हें अपने हवाले न जो मेरे ध्यान है कि इस सोसाइटी च बच्चों लिए प्ले लैंड कोई नहीं, बच्चे क्रिकेट जो गली च खेडन तो गली च कोई नहीं खेडन दिंदा, जो वो पार्क जान तो पार्क साडा सिक्योरिटी गार्ड नहीं खेडन दिंदा कि पौधे खराब हो जाएंगे। दिस इज़ अगेन मैं कहना कि मैं इनको कोई बैलेंस नहीं समझता इस एटीट्यूड में कि दिस इज़ एबनॉर्मलिटी है कि मैं घा का तो ख्याल करा, लेकिन वह बच्चा जो अब मोबाइल से टीवी छड़ के बाहर खेडन आ रहा है तो उन्होंने मैं खेडन ना दवा, तो फिर मैं कह कि बच्चा हर टाइम मोबाइल ही बढ़िया रहा, तो यह मेरी अपनी नसल नाल बड़ी ज्यादती है। मेरी कोशिश है कि हर पार्क के जरा 1/4 पोर्शन है जरा मैं जरा ना ये फिक्स कर देव प्ले लैंड, अगर उत्तर क्रिकेट मुमकिन नहीं है तो चलो एटलीस्ट बैडमिंटन और वॉलीबॉल आ जाए, हाउस जेडी प्लेस होती है नहीं, हाँ वो तुसी एक पोर्शन है जैसा जितने एक पोपो दी गुंजाइश हो गए, वन जिस तरह एक पोर्शन मैं फैमिली ली बच्चे नहीं कर दूँगा, एक जड़ा मैं प्ले लैंड कर दूँगा उसकी दूसरी अपोजिट साइड से, और 2 जड़े ने आमने सामने वाले वो जनरल मैं पब्लिकली कर दूँगा, तो प्ले लैंड ली भी मेरा होना है कि मैं
एट द स्टेक ऑफ ग्रास एंड हॉर्टीकल्चर मैं अपनी यूथ नू जड़ा ना वो मेरी मुरझा जाए मेरा फुल जड़ा कायम रहे ये भी कोई मुनासिब एटीट्यूड नहीं है इस तरह मैं फोकस कर रहा सही गल है सर क्योंकि पार्क्स होंगे ही यंगस्टर्स के वास्ते ने उन्होंने इंजॉयमेंट के वास्ते ने अगर वो ही नहीं जा सकेंगे तो फिर की इस तरह अच्छा रेवेन्यू की मैं गल करा अगर तो पी एच ए किस तरह जो है रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है अच्छा साढ़ा तो पहले तो यह कि एडवरटिजमेंट ही साढ़ा एक मेन कमाई वाला पुत्र है जो गल करो तुम तो वे कि एडवरटिजमेंट तो फिर जिस टाइम बोर्ड लगा हो सरकारी मुलाजम आलमोस्ट बेचारे इस काबिल नहीं होंगे डिफरेंट प्रेशर ग्रुप को बर्दाश्त करते तो वह सानू असी कोई 8-9 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाते सर लेकिन असी हूँ यदी जी रिकवरी है ना इनू आउटसोर्स कर दिता है वो कि हम सा लास्ट जो ठेका गया 19 करोड़ कुछ का गया अच्छा तो उम्मीद है कि इस दफा गया तो इसको भी अच्छा जाएगा तो असी एक तो मेन एडवरटिजमेंट असी रिकवरी वाला काम ही छोड़ दिता है असी रिकवरी वाला ठेका दे दिता है सानू पैसे आ जाते हैं हुण वो रिकवरी करे ना करे वो ख्याल करे कि जनाब ये केड़ा केड़ा जड़ा नहीं दे सकता उहदा हेडेक साडी इस तों दूसरा जिहड़ा 1% वाला तुसीं देखिया वे इहनूं हुण मैं आके जिहड़ा ना एजुटेट भी कीता इहनूं मैक्सीमम हाईलाइट कर रहा हर कॉर्नर ते कर रहा कि लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है इनू अपना कंपस कंपलसरीली जो है इनू अपना वो अडोप्ट कर 1% सानू देन नाल जगह भी आइडेंटिफाई करना सी डिवेलप करके भी दे देने तो ये मेरा ख्याल है अगर 1% आ जाए प्लस ये साडा एडवरटाइजमेंट है तो साडा मोर दैन एनफ बाकी तो असी फ्री ऑफ कॉस्ट पौधे ला रहे हैं आपस ये थोड़ा बहुत जो खर्चा आता है नर्सरी से पनीरी से वो असी कर लेने होंने मट्टी इधर कर उधर कर बाकी आलमोस्ट असी जो फ्लावर एग्जीबिशन से जिन्ना भी साड़ा खर्चा आना जिन्ह ने फूड स्टॉल लाना जिन्हें जिन्ह ने प्लान बनाना असी उन्होंने को करवा लेना गवर्नमेंट एक्सचेकर से असी जरा ना बोझ वाले पास ही नहीं जाते सही हो गया अच्छा सर साड़ी पब्लिक दे नाम तुसी कोई पैगाम देना चाहो क्योंकि सारी गल है तुसी पार्क्स जिहड़े बनांदे हो इन्हां दी मेंटेनेंस दा जिहड़ा ख्याल करदे हो इन्ना सारा कुछ इहदे वास्ते करदे हो पब्लिक दे लई करदे हो तो पब्लिक नूं की कहना चाहोगे पब्लिक इस चीज़ का ख्याल किस तरह रखे पब्लिक सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखे झूले टुट जाते हैं 100 दफ़ा तोड़न क्योंकि ये थोड़े लैके तो जाते नहीं बेचारे झूला ही लेंदे ने तो टुटदा है ना तो ये ना लाए कि मेरे स्टाफ दी है जिहड़ा कोई सब स्टैंडर्ड किस्म के झूले लाता है बाकी ये कि अगर लैटरिन च लोटा गायब है या बाहरों फ्लश की टूटी गायब है वो हीरोइनची या नशेई लोग जड़े ने वह काम करते हैं वो पब्लिक का कोई कसूर नहीं है लाइट फ्यूज़ है लाइट बारिश ना चली गई है कोई हो गया तो वो कोई कसूर नहीं एक कसूर है जदों ये जाके बहेंदे ने उत्थे पिकनिक मनाते हैं सामने डस्टबिन भी पई होंगी है सारा गंद जड़ा ना चुके उत्थे छड़ के तो उत्थे टुर जाते वो फिर मैं जिस टाइम देख लवा तो कमबख्ती आ जाती बेचारे की मेरे सिक्योरिटी गार्ड भी फिर उस तरह रगड़े जाते हैं तो माली भी रगड़े जाते हैं क्योंकि फिर इन्होंने करना होंगे उन्होंने मेनटेन तो वो फिर जरा ना वो बस पब्लिक में यह है कि जिथे डस्टबिन देखन या जिहड़े छापरे च चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कम अज़ कम चलो फर्ज करो कि नहीं उन्होंने डस्टबिन नज़र आ रहा कितने तो जो छापर है वो ही पा के उत्थे इकट्ठा कर दें ताकि मेरे बंदे नूं उत्थे चुकने च आसानी हो बस यह मेरा एक पैगाम है कि जिहड़ा गंद वो आप पाते हैं उन्होंने किसी अच्छी जे मुनासिब जगह तक पहुँचा दें बाकी सारा काम मेरा उन्होंने कोई काम नहीं बिल्कुल सही क्योंकि जो पार्क से गए तुहाडे लई बनाए गए ने तुहाडी सहूलत दे लई बनाए गए ने तुहाडे सैरो तफरी दे लई बनाए गए ने तुसीं ही जाके उस चीज़ों का ख्याल नहीं रखोगे फिर बाद में बैठ के चैनलों पर बैठ के या किधर भी बैठ के रोले पा रहे होंगे सफाई का तो ख्याल नहीं रखते हाँ। सफाई का तो आप करनी है ना वो तो आप ख्याल रखते और ट्रैक के ऊपर चलते हुए ये डायमेंशंस का अपनी ख्याल नहीं रखते कि किस तरफ से जाना है सामने से खातीन आ रही होती हैं इधर से ये जा रहे होते हैं पैसे तंग होता है तो वो एक डायरेक्शन होती है आमतौर पर जनरली जितने भी सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं या इवन विद इन दिस कंट्री इवन जो एरियाज हैं वहाँ पे आपने एक साइड से जो है वो डायरेक्शन भी होती है एरो भी जो होता है दाएं से आप स्टार्ट करें तो उसका ज़रूर ख्याल रखें टर्म्स एंड कंडीशन हमने बोर्ड पे डिस्प्ले की हुई है उसको ये उसका ख्याल रखें जो तुम किसी भी पार्क एंटर होंगे हो ना तो सामने ही बोर्ड के उत्ते हर किस्म की इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है अगर तुम्हारे को अखा है पढ़ सकते हो तो लाजमी उन्होंने पढ़ो वह ध्यान रखो बाकी जो इनको कंप्लेंट है पब्लिक को मेरा सेल नंबर पे व्हाट्सएप पे नोट जो है मुझे एक भेज दिया करें कि इस पार्क में ये इशू है जी
ठीक है, जो देखते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन से इग्नोर हो रहा है और ये पीएचए एडमिनिस्ट्रेशन उसको नहीं देख पा रही, या एक्सेस नहीं है वहाँ पे डायरेक्टर मेरे की या चलो मेरे डीजी की नहीं है, तो वो जो है ना कम से कम एक छोटा सा लेटर ही लेके डीजी के नाम भेज दे, कोई मेल कर दे मेरी वेबसाइट पे, हमारा पीएचए का व्हाट्सएप बना हुआ है उसमें भेज दे। मैं अपना नंबर लिखवा देता हूँ 03216855 इस पे आप मुझे जो है एक व्हाट्सएप नोट भिजवा दें। मैंने वो आप करना क्या होता है, मैंने सिंपल उसको अपने ग्रुप में भेजना होता है, ग्रुप ने आगे से फ़ौरन उस पर इम्प्लीमेंट करना होता है कि अब सब खुद ना विज़िट कर लें वहाँ पे तो कहीं, तो वो चीज़ें इस तरह से बेहतर होती हैं। तो तीसरी आवाम की ज़िम्मेदारी है कि बाशऊर होने के नाते जो कमी देखते हैं वो शिकायत बरा शिकायत ना हो ये कि आप उसको उसमें कोई कंस्ट्रक्टिव तरीके से वो चीज़ें जो मुझे जो भी हाईलाइट करेंगे विद इन 24 आवर उस पर जो है ना अमल हो जी। चलो बहुत शुक्रिया सर, तो सर हमने इन्ना सारा टाइम दिता और साढ़े इन सारिया गलत की, मैं तो वैसे सोच के नहीं आई थी कि मैं इन सारी चीज़ें जो ना इन्ना इनफॉर्मेशन इकट्ठी करके लैके जा। जी बड़ा थोड़ा भी बड़ा शुक्रिया कि जी मैं आज मौका मिला कि मैं इन्नी देर पंजाबी इकट्ठी बोल लवान बाबा दिन तो भुली बसरी मेरी पंजाबी थी, तो वो अच्छा होया कि मैं जरा अच्छ इन्नी बड़ी पंजाबी बोल रही थोड़े तफैल, तो अच्छी गल् हो गई आवाम तक पैगाम भी पहुँच गया, तो मैं बड़ा मशहूर हाँ जी कि एज ए जाना मेरे माउथ पीस हो तुसी मेरी गल नूं अगे पहुँचाया। और साड़ी इस तरह क्योंकि बाहर आते हो तो असं ऑफिस बैठे बाहर असं निकलते हैं 2 घंटे टारगेट के तहत, तो तुसी इस तरह रहनुमाई करते रहो, मिलजुल के असं जरा कोशिश करा कि असं म्यार से इस शहर से इस कौम पब्लिक के पूरे उतरी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।